मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे दिग्गजों का रण चौथा चरण। उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज का चुनाव खत्म होने के बाद अब चौथा फेज शुरू होने वाला है और इस रण में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है और इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में है। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रही है। इसमें लखनऊ सहित 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके से बड़ी बाजी मारी थी। चौथे चरण के मतदान में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की भी ये एक परीक्षा से कम नहीं। जी हां, तो आज चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। तेईस फरवरी को वोटिंग होनी है और तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दिग्गज आज मैदान में नजर आए और जन समर्थन जुटाते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में अब चौथे फेज के चुनाव पर सबकी नजर है। चौथे चरण का मतदान काफी अहम माना जा रहा है। यहां से बीजेपी ने 2017 में बाजी मारी थी। लखनऊ से लखीमपुर तक चौथे चरण में रायबरेली सहित 9 जिलों की 60 सीटों पर संग्राम है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और उनसे जानेंगे कि माहौल क्या नजर आ रहा है, चौथे चरण के चुनावों के लिए क्या तैयारियां हैं और जो दिग्गज मैदान में आज थे और जिस तरीके से चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया, जन समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की गई, उसका कितना असर जनता में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ संवाददाता लखीमपुर से आमिर रजा जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मोहम्मद सफी हमारे संवाददाता और सीतापुर से अबरार अली संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आमिर, मैं आपके पास आऊंगी। आज अगर हम लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में भी नेताओं का जमघट लगा हुआ नजर आया और लखीमपुर की अगर हम बात करें तो चौथे चरण में होने वाले चुनाव में लखीमपुर की भी एक अहम भूमिका है। जी, अगर लखीमपुर की बात करते हैं तो लगातार सारे प्रत्याशी, सारी पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, उन्होंने अपनी आखिरी ताकत आज कांग्रेस की बात अगर जी हम अगर लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में आज जिस तरीके से सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी आखिरी ताकत यहां पर झोंकी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने यहां पर आज सभा की। इसके अलावा तमाम प्रत्याशियों ने आज रोड शो किया है, चाहे उसमें बीजेपी के प्रत्याशी योगेश वर्मा हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहन वाजपेयी हो या फिर समाजवादी पार्टी के। इन लोगों ने रोड शो करके जनता के बीच में अपनी अपनी ताकत का एहसास कराया है लोगों को। तमाम लोगों की कोशिशें यही रही कि आज जनता के बीच में अपने प्रत्याशी जब जाए तो लोगों के सामने जो भीड़ हो उससे आने वाले 23 तारीख को जो मतदान हो उस पर उनकी अपनी भूमिका बना सके, अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में लगातार कर सके। क्योंकि 8 विधानसभा जो लखीमपुर की 8 विधानसभाएं हैं, अगर 8 विधानसभाओं की बात करें तो लगभग 28 लाख वोटरों का को 23 तारीख को अपने मत का प्रयोग कर रहा है। अब देखना यह है कि इन 8 विधानसभाओं में जो पहले बीजेपी के पास थी उसमें बीजेपी कितने अपनी सीटें वापस लाने में कामयाब होगी या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जो विपक्षी पार्टियों के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर यहाँ पर लखीमपुर की सदर की बात करें तो यहाँ AIM भी लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना है कि ये जो दीगर पार्टियां हैं ये कितना कामयाब होते हैं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के या फिर बीजेपी एक बार फिर 8 की 8 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। बिल्कुल अमर, वापस आएंगे आपके पास। मोहम्मद सफी हमारे संवाददाता लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। अगर सफी लखनऊ की आज बात करें तो लखनऊ में भी प्रचार प्रसार की कोई कमी नहीं देखी गई।
तमाम दिग्गज नेता लगातार लखनऊ को भी साधने की पूरी कोशिश कर रहे, तो लखनऊ काफी अहम माना जाता है। क्या राजनीतिक माहौल आज रहा और क्या जनता का मूड नजर आ रहा? बिल्कुल, देखिए 23 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने हैं, 9 जिलों में 59 सीटों पर मतदान होना है और सभी दिग्गजों ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि आज शाम को 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रोड शो किया है और फिर सरोजी नगर में कुछ ही देर में रोड शो करने वाले लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो कल देर रात तक अखिलेश यादव ने एक भव्य रैली निकाली थी जिसमें सैकड़ों हजारों आदमी शामिल हुए थे। और अगर बात करें हम बीजेपी की, तो कल खुद योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरे थे और एक भव्य रैली निकाली थी। तो लगातार बात करें अगर हम, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें हम 2022 का जो चुनाव है, बहुत खास माना जा रहा है, बहुत अहम माना जा रहा है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बीजेपी पार्टी हो। और बात करें अगर टक्कर की, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी में टक्कर देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं से पीछे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लखनऊ का और सभी जगहों का दौरा कर रही है, लगातार रैली निकाल रही है, लगातार रोड पर लोगों से संवाद कर रही है, गांव देहात क्षेत्र में जा रही है, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों से बात करती है तो कभी घर में बैठ के लोगों से संवाद करती हैं। तो बात करें, सभी पार्टियां पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही हैं और आज 6 बजे के बाद चुनाव, जो अगर बात करें प्रचार प्रसार की, तो वो समाप्ति हो जाएगी। अब देखना होगा कि 23 फरवरी को जो जनता है वो किसको चुनती है और किस तरीके से वोट करती है, क्योंकि बात करें अभी कहीं ना कहीं ये जरूर असमंजस में नजर आ रही है जनता की, वोट किसको करे, क्योंकि सभी पार्टियां पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है, रोड पर नजर आ रही है। इस बार वादे बहुत किए गए हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो जी, और चाहे बीजेपी हो, तो वादों की झड़ी भी लगी है। अब देखना होगा कि कौन वादों पे जाती है, आम जनता वादों पर लेकर वोट करती है, या जो काम 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया उसको वोट करती है, या कांग्रेस ठीक है। सफी, वापस आती हूं मैं आपके पास और भी जानकारी आपसे यहां पर हम लेंगे। अबरार के पास चलते हैं, अबरार सीतापुर से हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार सीतापुर की अगर हम बात करें, तो 9 सीटों में से 7 जो है वो बीजेपी के खाते में थी, 1 बसपा और 1 सपा के खाते में थी, कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला था। क्या लगता है इस बार का राजनीतिक समीकरण 2017 से काफी अलग है या फिर समान नजर आ रहा है, या फिर जनता का मूड क्या? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर 7 बीजेपी के पास थी, जिसमें से 2 एक सपा के पास थी, 1 बसपा के पास थी। लेकिन इस बार का समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि जो सभी बड़े स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इससे पहले अखिलेश भी आए और आज अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह, सभी लोग आज लास्ट दिन था और प्रचार प्रसार का जो है 6 बजे के बाद लोगों से वादे किए गए, स्टार प्रचारक भी आए और यहाँ पर सभी प्रत्याशियों के प्रत्याशी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कहीं जो बात की जाए तो जनता में ये आने वाला समय जरूर बताएगा कि आखिर जनता जो वादे किए गए हैं और जो वादे किए जा रहे हैं उन पर कितना खरी उतरती है, किसको वोट देती है और किसको वहां पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक अपना चुनती है। तो ऐसे में सीतापुर की 9 विधानसभा क्षेत्र है, किसी को लेकर सभी जो पार्टी के नेता थे वो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर स्टार प्रचारक और अपने समर्थकों के लिए वोट भी मांगे थे। तो ये पूरा समीकरण यहाँ के सीतापुर का रहा है। जी, वापस आएंगे आपके पास, हमारे साथ आमिर रजा भी लगातार बने हुए। आमिर, इस बार अगर हम लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में किसान मुद्दा जो है वो काफी हावी है और साथ ही साथ जो लखीमपुर खीरी हिंसा हुई उसका मुद्दा भी काफी हावी है, तो क्या 2017 का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा इस बार लखीमपुर खीरी में? आमिर, आवाज आ रही है आपको? यार आपको
जी आपको बता दें कि अगर लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में जिस तरीके से 3 अक्टूबर को घटना हुई थी, और 3 अक्टूबर की घटना के बाद जितना राजनीति की बातें हो रही है वो किसान मुद्दों पर, किसानों के ऊपर चल रही है। अगर किसानों की बात करें तो जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो विपक्षी पार्टी आए यहाँ पर आने वालों में अखिलेश यादव हो, जो अपने संबोधन में उन्होंने किसान आंदोलन किसानों के साथ घटना हुई थी उसको उठाया था, चाहे कल आए थे यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी किसानों के मुद्दों को उठाया, आज इमरान प्रतापगढ़ी ने भी आकर यहाँ पर किसानों के मुद्दों को उठाया। तो कहीं ना कहीं राजनीति लखीमपुर तो लखीमपुर की राजनीति का मुख्य मुद्दा यहाँ पर किसान है, क्योंकि वैसे भी लखीमपुर जो है लखीमपुर जिला है जो वो जो ये गन्ना किसानी के लिए मशहूर है, और कहा जाता है इसे गन्ना किसान जो गन्ना किसानों के लिए मशहूर है, और इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने का कटोरा कहा था, तो कहीं ना कहीं जो पुराने जो सत्तापक्ष के लोग हैं इनकी बातों का ही खंडन, इनके बातों को ही सीखते लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि 2022 में यहाँ के 8 जो सीटें हैं उसमें कई सीटें ऐसी खतरे में दिखाई दे रही है, जो किसान जहाँ पर किसान माहौल है खास करके सिख समुदाय के लोग हैं, या जिस जो लखीमपुर के जो तहसील निघासन की जो सीट है जिसको जहाँ पर वो घटना हुई थी उस सीट को भी लगातार तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने वहां पर बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक रहे आर्य कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और जो जो यहाँ पे जो मंत्री रहे हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया आर्य उस्मानी को। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने वहां पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। अब देखना यह है कि 23 तारीख को जब मतदान होगा, जब लगभग 28 लाख लोग यहाँ पर मतदान करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे इस पूरे लखीमपुर जनपद में, तो कौन सा मतदाता के मन में कौन सी बात है और किस बात को सोचकर वो मत देता है, यही यह रिजल्ट तो 10 तारीख को आने वाले 10 अप्रैल को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं में खामोशी दिखा रही है, खामोशी जो है उससे जो प्रत्याशी उनमें जरूर बेचैनी दिखाई दे रही है। ठीक है, वापस आते हैं आमिर आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र यादव संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, रायबरेली इस बार एक अहम भूमिका निभा रही है, रायबरेली में काफी फेरबदल हमने देखे, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और आदित्य सिंह जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट रहे हैं हमेशा से ही कांग्रेस का, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और रायबरेली की कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना परिवर्तन इस बार हम देख पा रहे हैं? शैलेंद्र आपका म्यूट बटन ऑन है शायद। ओके, बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली सियासत का गढ़ माना जाता है और ये कांग्रेस का गढ़ भी है, और यहाँ पर इस समय सबसे बड़ी सियासत में हलचल मची हुई, क्योंकि बात की जाए सदर की, तो सदर से रायबरेली आदित्य सिंह जो कांग्रेस से थी और वो सम्मिलित हो गई भाजपा में, और इसके बाद से लगातार कई ऐसे फेरबदल होते रहे हैं। और बात की जाए सरेनी की, तो सरेनी में जहाँ कांग्रेस ने अपने एक ऐसे नेता को उतारा जो पूरे सियासत में हलचल से मचा दी, क्योंकि उससे पहले वो प्रचारक के रूप में भाजपा में थे लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। और बात की जाए इसके बाद सदर के बाद बात की जाए सरेनी की, और सरेनी से हम बात करेंगे बछरावा की, जहाँ पर कि रामलाल अकेला एक बहुत ही आप जाने माने नेता माने जाते थे सपा के, लेकिन उनको सीट न मिलने की वजह से, उन्हें टिकट न मिलने की वजह से वहाँ की सियासत में काफी हलचल समचा हुआ है। और उसके बाद हमारे जो विधानसभा की बात की जाए, जो सदर की, जहां पर आदित्य सिंह की बात की जाए, तो इस समय आदित्य सिंह को लेकर और उनके साथ में उनके प्रतिद्वंदी जो RP यादव जी हैं उनकी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और इस बार देखना है कि क्या मुद्दाएं होते हैं जो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याएं इस समय किसानों को लेकर के हो रही हैं, और किसान जो इस समय जो एक समय था कि जब भाजपा बात करती थी किसान के आय को दुगुनी करने की, लेकिन इस समय स्थितियां ऐसी हुई कि पेपर में भी कई बार उछाले गए कि जो किसानों की आय को दुगुनी नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां से ऊंचाहार विधानसभा सीट भी काफी अहम है, यहां से जो मनोज पांडे हैं सपा के, वो 2 बार से विधायक है, हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। अगर उनकी बात करें तो यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या देखने को मिल रहा? बात की जाए ऊंचा हार की, तो वहाँ का इस बार बहुत ही
टक्कर की लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि अंजलि मौर्य भी बहुत सशक्त रूप में जो बीएसपी से हैं, क्योंकि इस बार उनकी चर्चाएं भी बहुत ज्यादा हो रही है। और बात की जाए, मनोज पांडे दो बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार शायद उनकी खतरे रही है, क्योंकि जो यहाँ का जो समीकरण है वो जातवाद का समीकरण है। और इस बार शायद ऊंचा हार की बात की जाए तो जो यादव और मौर्य समाज के लोग हैं, ये लोग भी इनसे कटती हैं कि एक कुछ ऐसे कारण होते रहे लगातार जिनकी वजह से ये कट करके इस समय अंजलि मौर्य के पक्ष में भाग रहे हैं। तो इससे जो सियासी हलचल है बात की जाए जो ऊंचा हार की, तो वहाँ बहुत ही इस समय कट्टर और बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि जब हमने कई बार वहाँ का परिभ्रमण किया और वहाँ पर देखा कि जिस तरीके से वहाँ की सियासत में हलचल हो रहे हैं, जिसको देखते हुए एक त्रिकोणीय श्रृंखला बनती जा रही है, क्योंकि जो वहाँ अंजलि मौर्य भी अपने आप को एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित कर चुकी है, और लेकिन बात की जाए मनोज पांडे की तो वो भी कहीं रूप से कम नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनकी भी स्थितियां बहुत मजबूत हैं, क्योंकि उनकी जो पिछले दो पंचवर्षियों से लगातार वो विधायक होते आए हैं, और उसके बाद वहां पर उन्होंने के जो उनके कार्य हैं, और जो चूंकि उनका एक देखा जाए तो चुनाव जो उनका राजनीतिक कैरियर भी बहुत लंबा है, और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में जो उनकी स्थितियों को देखते हुए अंजलि मौर्य को बहुत ही मेहनत करना होगा, और बहुत ही चुनावी जो रणनीतियां उन्हें अच्छे से अपनानी होगी, क्योंकि चुनाव तो एक इसमें चुनाव के साथ साथ प्रचार के साथ साथ में कुछ चुनावी टोटके होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस समय हर विधानसभा लखनऊ से वापस आऊंगी सफी आपके पास। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं दिग्गजों का रण चौथा चरण, आपको बता दें कि प्रचार प्रसार थम चुके हैं, 23 फरवरी को मतदान होने हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और लगातार हम बात कर रहे हैं दिग्गजों का रण चौथा चरण। आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है, और शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रही है, और इसमें लखनऊ सहित 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में बड़ी बाजी मारी थी। चौथे चरण के मतदान में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र सरकार के कई मंत्रियों की भी परीक्षा होगी, और लगातार हम इसी पर बात करें। हमारे साथ लगातार संवाददाता भी हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी का रुख कर लेते हैं। सफी, इस बार कई मंत्रियों की कई नेताओं की साख पर ये चुनाव है, क्योंकि अगर हम ब्रजेश पाठक की बात करें तो वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पुरानी सीट को छोड़कर ब्राह्मण चेहरा है, और तमाम कई चीजें देखने को मिल रही हैं। सरोजनी नगर से भी इस बार पुलिस नौकरी छोड़कर शामिल हुए, वो भी लगातार भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई मंत्रियों नेताओं की साख है, और कहीं ना कहीं लगातार चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। अदिति सिंह की अगर बात करें तो वो रायबरेली से इस बार, पहले कांग्रेस से लगातार वो चुनाव लड़ती आ रही थी, इस बार वो भाजपा से चुनाव लड़ने जा रही है, तो काफी अंतर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि चौथे चरण में कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। अब चाहे बात करें हम इसमें कैंट क्षेत्र से वो ब्रजेश पाठक की, जो कि कानून मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें कि जो कैंट क्षेत्र की सीट है वो सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी के पाले में ये कई सालों से है। लेकिन इस बार अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी से राजीव गांधी खड़े, जो कि 15 साल से पार्षद रह चुके हैं, अनिल पांडे बीएसपी से खड़े, तो कहीं ना कहीं इस बार टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। और बात करें हम अगर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की, तो उनके अलावा प्रवर्तन निदेशालय से जो सर्विस क्लियर कराए हुए, जिनसे भी आप बात करेंगे, राजेश्वर सिंह से उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं सरोज नगर से उनकी भी टक्कर देखने को मिली, क्योंकि उनके सामने अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से, जो कि पूरा जोर लगा रहे हैं। कल अगर बात करें बीजेपी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनके लिए
वो भी मांगे थे जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। और बात करें अगर हम वही समाजवादी पार्टी सरकार और मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा, तो वो भी लगातार जोर लगा रहे और विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भी इसी चरण में हरदोई से किस्मत अपने आजमा रहे, तो लगातार जो संकट है वो बार अपनी आजमाइश कर रहे हैं। देखना होगा कि कौन इसके शामिल होगा। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि रायबरेली में तो कांग्रेस की पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अदिति सिंह, इस बार उनके भी कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है बहुत अहम माना जा रहा है। कि इसी चरण में अब बात करें हम लखीमपुर खीर की, तो वहां भी चुनाव होना हो, किसानों में जो विरोध है लखीमपुर खुनिया में हुआ घटना को लेकर इस जिले में अब निगाह इस पे भी चली हुई है। देखना होगा जो इतने दिग्गज है 2022 विधानसभा का जो चुनाव है, और नौ सीटों में अगर बात करें हम, नौ विधानसभा सीटें हैं लखनऊ में और सभी दिग्गज है इन सभी सीटों पर। अब देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, किसके मत करती है, किसको लेकर, और 10 मार्च को जो फैसला आएगा तो देखते हैं कौन जीतता है। और ठीक है सभी, वापस आएंगे आपके पास। सीतापुर से हमारा संवाददाता अबर, माफ कीजिएगा, अबरार अली लगातार बने हुए। अबरार आपसे जानना चाहेंगे, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की आज सीतापुर तक पहुंची, और क्या सीतापुर में भी किसान मुद्दा उतना ही हावी है, किसानों के साथ हुई हिंसा उतनी ही हावी है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो किसान यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर क्योंकि जब प्रियंका गांधी आई थी तो ये सीतापुर में है, पीएससी में उनको रखा गया था, तो कहीं ना कहीं जो लखीमपुर का क्षेत्र है वहां पर जब किसानों के साथ हिंसा हुई वो लखीमपुर जा रही थी, उसके बाद सीतापुर की पीएससी में उनको रखा गया था, तो यहाँ से भी पड़ोसी जिला है तो किसान लगभग बहुल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा जरूर हावी हो रहा है, क्योंकि किसानों में ये बात जरूर आ रही है कि जो किसानों पर अत्याचार हुआ उसको लेकर जो मुद्दा है वो किसानों के मन में एक बार जरूर बैठा हुआ है, तो इसी को लेकर लोग वोट कर रहे हैं, और आने वाला समय जरूर बताएगा कि आखिर ये समय जो है रहा और जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ उस पर जो है कितना वो उसको मन में लिए भूल चुके हैं, ये आने वाला जरूर समय बताएगा। तो क्योंकि सीतापुर का अगर बात की जाए तो काफी देहात क्षेत्र है, और सीतापुर से लखीमपुर लगा हुआ है और बिल्कुल पड़ोस का जिला है, तो कहीं ना कहीं किसान वहाँ के भी और यहाँ के सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, और यहाँ तक रैली की गई, यहाँ तक किसान काफी धरना प्रदर्शन भी किए और प्रियंका गांधी को भी रोका गया, तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो मुद्दे को जरूर में ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं। ठीक है अबरार, वापस आएंगे आपके पास। आबिर लगातार बने हुए, आबिर क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर की गई है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए यशी, जिस तरीके से अभी अबरार ने बताया, उससे पहले लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया, कहीं ना कहीं किसान का जो मुद्दा है वो इस बार चुनाव का मुद्दा जरूर बन रहा है। अगर लखीमपुर की अभी प्रतिष्ठा की बात हो रही थी कि किस किस नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा यहाँ पर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जिनका बेटा अभी रिहा हो गया जमानत के ऊपर, जो लगातार ये कह रहे थे शुरुआत से कि उनका बेटा निर्दोष है, उसके बाद अब जब रिहाई हो गए तो प्रतिष्ठा उनकी भी दांव पर है कि अब वो साबित करे कि अगर उनका लड़का निर्दोष है, जनता के बीच में उसकी छवि अच्छी है, तो आने वाले जो चुनाव है 23 तारीख को मतदान उनके पक्ष में होगा, खास करके निघासन विधानसभा की जो सीट है इसको लेकर उनकी प्रतिष्ठा जरूर दांव पर। हम आपको बता दें कि लखीमपुर जिले में दो ऐसे कद्दावर नेता है, चाहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हो, फिर यहाँ की जो धौरारा की सांसद है रेखा वर्मा, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मेन बॉडी के भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में ठीक है मैं आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे और बात कर रहे हैं दिग्गजों का कारण और चौथा चरण। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। यस यस यस, इन योर फेस लूजर। सी यू इन सॉकर। Yes!
जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन स्काई 247, एनीवेयर एनी टाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे. विमल, बोलो जुबान केसरी. अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं. करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया. देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल. बात अयोध्या मथुरा काशी की होगी तो बात बेरोजगारी भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी. क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर. सिर्फ के न्यूज इंडिया पर. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी.